रेखा जी, रेखा जी फैसला आया कैसे? हम लोग पक्ष में आए हैं, बहुत खुशी है, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। आप बताइए लक्ष्मी जी, माफी पे काफी समय से मामला लंबित है और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से ही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है, क्योंकि जो साक्ष्य है, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की, तो उसे लोग अपना पूर्वज आज हैं। मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं, अपने उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था, इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं, इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे, जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से। है मित्रों, वीडियो शुरूते जाके देखलें तिनी पाँच सनातनी नारीर मध्य एक जन जिनी ज्ञानव्यापी मस्जिदे पुजो करते देवा होक यही विषय कोर्टर द्वारस्थ होयेछिलेन। सनातनीदेर बड़ जय होयेछे, तबुओ सनातनीरा अपेक्षाय रयेछे 22 सेप्टेम्बरे, किन्तु मुस्लिम महिलारा तार आगे पुजो शुरू करे दिलेन ज्ञानव्यापीते। आपनारा ये मुस्लिम फाउंडेशनेर कथा सुनलेन, तारा बोलेछेन एखन भारते जे समस्त मुस्लिम रयेछे तादेर पूर्वपुरुष आगे हिंदू छिलो, তাই সকল মুসলিমদের হাসি মুখে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এই সেই সনাতনী যোদ্ধারা যারা জ্ঞানব্যাপীর জন্য লড়েছেন। জ্ঞানব্যাপীর বিষয়ে আরও কোনো তথ্য জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি ভিডিও বানিয়ে দেব আপনাদের। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় শ্রীরাম, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে মহাদেব।